सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं मेघा खाड़े। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपनी फिल्मों से ज्यादा लोगों की मदद के लिए काफी चर्चा में है। पिछले पहले लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की काफी मदद की, इसीलिए देश भर में उनकी काफी तारीफ की गई। शुक्रवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। CM केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद सोनू सूद ने बताया कि वह दिल्ली में मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। इस प्रोग्राम में वह देश के लोगों से अपील करेंगे कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के मेंटोर बने। सोनू ने कहा, दिल्ली सरकार की योजना अच्छी है, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को हम अपने अनुभव से काफ़ी कुछ बता सकते हैं। इसके बाद CM केजरीवाल ने यह जानकारी भी दी कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक फिल्म पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी में सोनू सूद की अहम भूमिका रहने वाली है। CM ने बताया कि यह फिल्म पॉलिसी काफ़ी प्रतिशाली होगी, इससे मनोरंजन जगत को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर करके पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें, तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं है कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, मनीष सर एंड राघव भाई, दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा, तो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। सोनू सूद की इस मुलाकात से उनके पॉलिटिक्स में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सोनू ने कहा है कि उनका अभी पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है और न ही CM केजरीवाल से उनकी पॉलिटिक्स के मुद्दे पर कोई बात हुई है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि सोनू की बहन मालविका सच्चर 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा में मोगा से चुनाव लड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ मेघा खाड़े, TRV न्यूज़।